हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं हम भाव का। इसके पहले हमने सिंटेक्स को समाप्त किया था। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो और भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, है ना, जाकर देखिएगा। सीरियल से सारे टॉपिक को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भाव। भाव अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और सारे एग्जाम्स में भाव से पूछा भी जाता है ना। तो सबसे पहले जानना है कि भाव होता क्या है, जिसे हम हिंदी में शायद क्रिया कहते हैं, है ना। तो भाव किसे कहते हैं, हमने पहले से जानते हैं कि भाव एक्शन वर्ड होता है। कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं वो एक्शन है, और उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो जो भी एक्शन होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो हमने एक चीज सीखा था कि सिर्फ एक्शन बताने वाले ही वर्ब होता है क्या। अगर मान लो हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने एक सेंटेंस लिखा सिंपल सा कि ही रन्स, वह दौड़ता है, और एक और मैंने लिख दिया कि ही इज, मैंने कहा इल, और एक और कह दिया कि ही हैज अ पेन। तीन सेंटेंस है, तीनों को बेसिक से समझिएगा कि चीज क्या होता है, कितना आत गलत समझते हैं भाव को लेकर, कितना हमें कंफ्यूज करता है एग्जाम में आने के बाद, है ना। हम तो समझ जाते हैं कि चलो ये भाव है, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता है कि हेल्पिंग है कि मेन भाव है, क्या है। तो चीजों को हमें इसी चीज को जानना है इस वीडियो में। देखिए, तो मैंने एक चीज कहा था कभी कि भाव क्या बताता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि भाव बताता है एक्शन, क्या बताता है भैया, एक्शन। एक्शन बताने वाले को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। कोई भी एक्टिविटी है ना, वो क्या है, वर्ब है। जैसे मैंने कहा कि ही क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है, चलो बहुत अच्छे। अब रन्स यहां पे क्या होगा, रन्स वर्ब होगा, ही रन्स, वह दौड़ता है, तो दौड़ना यहां पे क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, है ना। अरे वर्ब है तो क्या बता रहा है, कोई पूछे कि क्या बता रहा है तो बोलना है कि क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। दौड़ना एक्शन होता है, है ना। दौड़ना, खेलना, पढ़ना, बोलना, सारे के सारे एक्शन है कि ना। अब एक बात समझो, आगे लिखा हुआ है कि ही इज इल, वह बीमार है। अब एक बात मुझे बताइएगा कि ही इज इल में मुझे एक चीज नजर आया कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, चलो ठीक है। अब ए इज क्या है, अब हमें नहीं समझ आ रहा है कि इज क्या वर्ब है। अब इसे भाव कहेंगे तो हेल्पिंग भाव कहेंगे या मेन भाव कहेंगे, यहीं पे कंफ्यूजन होता है हमें, है ना। तो एक चीज सीखिएगा कि भाव सिर्फ एक्शन ही, हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं कि एक्शन बताने वाले को भाव कहते हैं, लेकिन चीज को समझना है मुझे कि एक्शन बताने वाले भाव तो होते ही हैं, साथ ही साथ और क्या बताता है भाव, स्टेट बताता है। क्या बताता है भाई, स्टेट, अवस्था। अवस्था बताने वाले भी क्या होते हैं, भाव होते हैं, है ना। और भाव एक चीज बताता है जिसे हमने कहा पजेशन, क्या कहा, पजेशन। पजेशन बताने वाले भी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो वर्ब एक्शन बताता है और क्या बताता है, स्टेट, अवस्था, पजेशन, अधिकार, ये तीनों बताने वाले को हम भाव कहेंगे। अब जैसे देखिए, कह रहा है कि ही इज इल, वह बीमार है। अब वह बीमार है तो बीमारी एक्शन होता है, बीमार है तो बीमारी एक्शन बता रहा है, यहां पे एक्शन बता रहा है क्या, नहीं। आगे देखिए तो कि कहीं बीमारी अवस्था तो नहीं है, बीमारी क्या है, अवस्था है, है ना, कि पजेशन बता रहा है। सोचो अब कोई कहता है कि वह बीमार है तो क्या पजेशन बता रहा है, किसी को बीमार होना क्या उस पर अधिकार है, अधिकार दिखाता है, कभी नहीं, हमेशा क्या बताएगा, स्टेट बताएगा। और स्टेट बताने वाले भी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। अब बात समझना है कि इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। तो याद रखना है कि यहां पे इज क्या कहलाएगा, स्टेट बताने वाले भी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो यहां पे हमने कहा कि क्या है, मेन वर्ब है, क्या है,
मेन वर्ब है। कोई पूछेगा क्या बता रहा, तो बोलना है कि ये स्टेट बता रहा है। स्टेट बताने वाले भी क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। अब बात समझो कि यहां पे क्या मैंने लिखा, इल। हमने कभी एक चीज पढ़ा था, हम चीजों को फिर से रिविजन करवाते चलेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है के बाद क्या लिखा मैंने, वर्ब लिखा, के बाद क्या लिखा मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये बातें हम लोग करके आए हैं। कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, के बाद वर्ब, के बाद ऑब्जेक्ट। भाव के ठीक पहले सब्जेक्ट, बहुत अच्छे। अब भाव के ठीक बाद ऑब्जेक्ट। अब बात समझो कि ये सब्जेक्ट है, अरिज में रखे है वर्ब है, है ना, और आगे क्या लिखा हुआ है, इल। अब भाई समझो कि इल अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, होता है कि नहीं। अब कभी भी क्या इसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, सोचना है। सेंटेंस में मिलता है लिखा हुआ, लेकिन हम मुझे पता नहीं होता है कि क्या है एक्चुअली में। तो इल क्या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो याद रखना है कि मैंने कभी कहा था कि सब्जेक्ट कौन होते हैं, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होता है, और ऑब्जेक्ट भी कौन होगा, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझना है। अब इल अपने आप में एडजेक्टिव है, तो कभी भी क्या नहीं काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। इल कभी यहां ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो यहां पे इल क्या है, एडजेक्टिव है। अब वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसे सेंटेंस कहते हैं हमने, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या सेंटेंस है, बिल्कुल है। इसे हम कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं कहेंगे, एक क्लॉज है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उसे हम क्लॉज के नाम से जानते हैं। आगे हम मिलेंगे क्लॉज क्या होता है। अब बात समझिए, अब एक चीज समझिएगा कि इज कभी कभी हेल्पिंग भी बनता है। हमें कंफ्यूजन होता है कि सर हम तो आज तक ये भी जानते हैं कि इज हेल्पिंग वर्ब होता है, तो बात समझिएगा अब दोनों में हमें कब कैसे समझना है कि क्या है यहाँ पे। अब देखो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा कि राम इज, है ना, मैंने आगे कह दिया कि प्लेइंग, ठीक है, और एक और सेंटेंस लिख दिया कि राम इज अ टीचर। ध्यान देना है, दो सेंटेंस है, राम इज अ टीचर। अब यहां पे देखो राम अपने आप में सब्जेक्ट है, के बाद मुझे लिखा हुआ है इज, यहां लिखा हुआ प्लेइंग। हम एक से जानते हैं कि प्लेइंग अपने आप में क्या है, बिफोर है, मेन वर्ब है, और जब भी फोर के पहले कभी भी लिखा हुआ मिले इज एम आर, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो बिफोर के पहले, जब मेन वर्ब के पहले की बात होगी, तो यहां पे क्या बनेगा, हेल्पिंग बनेगा। लेकिन आप सोचो कि यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, मुझे नहीं पता है कि हेल्पिंग है कि मेन है, आप चीजों को समझना है। अब आगे क्या लिखा मिला, टीचर। टीचर अपने आप में क्या है मेरे भाई, नाउन है। अब आगे वर्ब तो नहीं ना है, जब वर्ब ना रहे, जब वर्ब ना रहे तो समझ जाना है कि इज खुद ही क्या है, क्या है, मेन वर्ब है। अरे बात समझ में, कब मेन होगा, कब हेल्पिंग होगा, ठीक है, जब इसके बाद, इज एम आर के बाद। देखो एक चीज समझिएगा कि हम इज एम आर को कहते हैं बी वर्ब। क्या कहते हैं, हम कॉन्सेप्ट को फिर से एक आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कि क्या है, बी वर्ब है। बी वर्ब कौन कौन होते हैं, देखना ध्यान से। हमने कहा कि इज होता है, एम होता है, और आर होता है, ठीक है, और इसी में आता है वाज और वर, इसी में आता है बी, और हम लिख सकते हैं बिंग, और लिख सकते हैं बीन। ए अपने आप में क्या है, सॉरी, इसे हम क्या कहेंगे, बी वर्ब कहेंगे, है ना। बी वर्ब में इज एम आर आता है, वाज वर आता है, बी बीइंग और बीन आता है। अब एक चीज समझिएगा कि बी वर्ब अपने आप में मेन भी होता है, और बी वर्ब अपने आप में हेल्पिंग भी होता है। अब चीज को समझना है कि कब ये मेन होगा, कब ये हेल्पिंग होगा। तो एक चीज याद रखना है कि बी वर्ब के बाद कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा तो क्या मिलेगा, आ सकता है आपका नाउन। क्या आएगा भैया, कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा कि बी वर्ब के बाद क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, या बी वर्ब के बाद कभी भी लिखा हुआ मिलेगा तो उसे हम एडजेक्टिव लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा इज के बाद इल, इल क्या है, एडजेक्टिव है, तो बी वर्ब के बाद क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, ये भी लिखना सही होगा, है ना। बी वर्ब के बाद, है ना, वर्ब आएगा, क्या आएगा, वर्ब आएगा। इस वर्ब को हमने कहा मेन वर्ब, क्या कहा, मेन वर्ब, है ना। जब ये मेन वर्ब आएगा तो दो बात है, याद रखिएगा, हम इसी में थोड़ा सा ध्यान से समझना है, है ना। इसी में मेन वर्ब के रूप में क्या आएगा, वी फोर आएगा, क्या आएगा, वी फोर। जब वी फोर आएगा तो इसे हम कहेंगे एवी में, मतलब एक्टिव वॉइस। ध्यान से हमने लिखा
एक्टिव वॉइस, एक्टिव जब हम वॉइस पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, तो जब ए बिफोर बी वर्ब के बाद आएगा तो इसे कौन सा फॉर्म में कहेंगे, एक्टिव वॉइस में। लेकिन बी वर्ब के बाद कभी कभी लिखा मिलेगा वितिरी, क्या मिलेगा वितिरी, जब वितिरी लिखा मिलेगा तो इसे समझना है पैसिव वॉइस। अरे बात समझ में, अब इज एम आर बी वर्ब के बाद क्या लगा रहा है, मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब को दो फॉर्म में मैंने बांटा बिफोर और वितिरी। अब बिफोर रहेगा तो इसे एक्टिव वॉइस में होना समझना है, और वितिरी रहेगा तो किस वॉइस में समझेंगे, पैसिव वॉइस में, ठीक है। या फिर इसके बाद एक बात और आ सकता है, टू प्लस भी वन, टू प्लस भी वन को शायद हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, हम आगे मिलेंगे इससे डिटेल में बात करेंगे। हमने कहा कि बी वर्ब के बाद नाउन आ सकता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि राम इज अ टीचर, इज एक बी वर्ब होता है, इज एक बी वर्ब होता है, के बाद टीचर एक नाउन है, नाउन आया राम इज अ टीचर, नाउन है टीचर। अब कहा कि बी वर्ब के बाद क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। मैंने कहा कि राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, ऑनेस्ट को पूछे भैया कि क्या है तो क्या कहोगे, अरे बोल दो क्या कहेंगे, हम एडजेक्टिव कहेंगे, ऑनेस्ट क्या एडजेक्टिव है, तो बी वर्ब के बाद क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। हमने कहा कि बी वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा तो अगर एक्टिव वॉइस में है तो बिफोर लिखना होगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि आई एम प्लेइंग, एम बी वर्ब हुआ, प्लेइंग क्या हुआ, बिफोर। अब इसे किस फॉर्म में कहना है, एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। हमने कहा कि जब बी वर्ब के बाद बी थ्री आया तो इसे पैसिव में समझना है, जैसे बोला कि अ मैंगो इज ईटन बाय राम, अ मैंगो इज क्या है, बी वर्ब है, ईटन क्या हुआ, बी थ्री, है ना। अ मैंगो इज ईटन बाय राम, इसे किस वॉइस में कहेंगे हम, पैसिव वॉइस। अरे बात समझ में, तो बी वर्ब के बाद क्या क्या आ सकता है, नाउन एडजेक्टिव बोलते चलिए, है ना, वर्ब मेन वर्ब आएगा तो बिफोर भी हो सकता है और वितिरी भी, एक्टिव वॉइस होगा तो बिफोर, पैसिव होगा तो वितिरी। या इसके बाद क्या आ सकता है, टू प्लस भी वन, टू प्लस भी वन को हमने कहा इन्फिनिटिव। जैसे देखो टू प्लस भी वन कैसे होगा, जैसे मैंने बोला कि आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं, वह आने वाला है ना, बारिश होने वाली है, इस तरह से जो भी बनाते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, टू प्लस भी वन, टू प्लस भी वन को हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, तो बी वर्ब के बाद क्या आ सकता है, टू प्लस भी वन आ सकता है। तो इतना बातों को याद रखना है, बेसिक कंसेप्ट चीजों को समझना है कि बी वर्ब के बाद ए लगा हुआ मिल सकता है, ठीक है यहां तक। अब आगे हम बढ़ते हैं, फिर से चर्चा करते हैं, करेंगे फिर इस पर एक बार आकर। देखो नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है कि ही हैज अ पेन, बात को समझो। अब ही हैज अ पेन में ही पहले बात तो क्या है, सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे। अब आगे मुझे लिखा मिला हैज, और हैज के बाद लिखा हुआ है अ पेन। हम एक चीज जानते हैं कि अ पेन क्या है, अपने आप में नाउन है। हमने पढ़ा था कभी, एक चीज हमने बेसिक कंसेप्ट में जाना था कि कहीं पे, हम फिर से उसी बात को दोहराएंगे कि भैया नाउन के पहले किसके पहले, नाउन के पहले क्या क्या आ सकता है, फिर से एक बार बोल दो, एडजेक्टिव आ सकता है, क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, या नाउन के पहले क्या आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, या नाउन के पहले क्या आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, हाँ कि ना। एक अभी हमने बताया था आपको, है ना, तो नाउन के पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन होगा तो नाउन, देखो तो टीचर के पहले अ क्या आर्टिकल है, इसके बाद आने वाला जो भी होगा ना वो नाउन ही होगा। अब यहां पे देखो पेन क्या है, नाउन है, नाउन के पहले क्या है, ये आर्टिकल है, तो क्या है, ये नाउन है, तो मैंने लिखा कि नाउन है। अब जब नाउन है तो यहां पे हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, हम पढ़े हैं कि हैज हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन मुझे समझना है चीज को कि कब हेल्पिंग होगा और कब मेन होगा, यही दोनों बातें तो याद रखनी है मुझे, है ना। तो अब एक बात बताओ कि ही हैज अ पेन, मेरे उसके पास कलम है, उसके पास कलम है, तो क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, हमें लगा क्या बता रहा है, पजेशन, बता रहा अधिकार, मेरे पास कलम है तो मेरा अधिकार हुआ ना। अब अधिकार बताने वाले क्या होते हैं, मेन वर्ब होता है, पजेशन बताने वाले मेन वर्ब होते हैं, तो कोई पूछे कि यहां पे हैज क्या है, तो कहना है कि ये मेन है, और मेन है तो क्या बता रहा है, तो कहना है कि पजेशन बता रहा है, और पजेशन बताने वाले क्या होते हैं। अब कहोगे सर तो हम एक चीज जानते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, अब बात को समझो कि कब हेल्पिंग होगा और कब मेन होगा। देखो तो मैंने एक
सेंटेंस कहा कि रवि है ना हैज, आगे मैंने कह दिया इटन अ मैंगो, एक सेंटेंस है। हमने फिर एक और लिया कि रवि हैज अ बुक, रवि हैज अ बुक। अब बात को समझिए, अब अभी हमने एक चीज कहा था कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब आए, यहां पे इटन क्या है भैया, कोई पूछे तो कहना है कि मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है, तो इसके पहले क्या नजर आया हैज। जब मेन वर्ब आ जाए तो उसके पहले कभी भी लिखा हुआ मिले हैज हैव, तो इसे हम किस वर्ब के नाम से जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। जब इसके बाद कब जानेंगे, जब भाव मेन भाव आ जाए, है ना, एक सेंटेंस में एक ही मेन भाव होगा। अब यहां पे बात बताओ कि अब बुक क्या है, अपने आप में बाबू नाउन है, अब नाउन के पहले है, इसमें मेन भाव तो है नहीं, तो कोई भी सेंटेंस बिना मेन भाव का होता ही नहीं है। बात को समझिएगा, कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का हो ही नहीं सकता, कम से कम किसी सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, है ना, और एक सब्जेक्ट के बाद एक मेन वर्ब, कम से कम दो बातें हो सकता है, सब्जेक्ट और भाव, तभी सेंटेंस होगा, यहीं से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना। ज्यादा से ज्यादा इसमें ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि सेंटेंस किसे कहेंगे, तो कम से कम सब्जेक्ट और भाव होगा तभी सेंटेंस बनाएगा, अगर सब्जेक्ट और भाव नहीं है तो सेंटेंस नहीं है, है ना। तो आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो हम वहां फिर बताएंगे कि आपने एक चीज पढ़ा होगा इंपरेटिव सेंटेंस, नहीं तो इंपरेटिव में हमने पढ़ा था कि भीवन से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने कहा गो देयर, अब कहोगे सर आपने तो कहा कि बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस ही नहीं होता है, तो भैया गो देयर में सेंटेंस, इस जो सेंटेंस दिखा ना गो देयर, इसमें सब्जेक्ट है ना, यू गो देयर, तुम जाओ, वहां पे साइलेंट होता है, हम चीजों को सेंटेंस में समझेंगे। अभी समझो कि बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस नहीं होता है। अब मुझे कहना है कि यहां पे बुक क्या नाउन है, और नाउन है तो हमने अभी क्या कहा कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, के बाद मेन वर्ब का आना बहुत जरूरी है, अगर मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। तो कोई कहे कि हैज क्या है, तो कहना है कि यहां पे हैज क्या है, यही मेन वर्ब है, ठीक है। अब कब हैज मेन बन रहा है, कब हेल्पिंग बन रहा है, बात समझ में आ रहा है, जब इसके बाद कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आए तो इसे हम हेल्पिंग कहेंगे, लेकिन जब इसके बाद कोई नाउन आ जाए मींस मेन वर्ब ना आए, तब यही खुद क्या है, मेन वर्ब है, और इस कंडीशन में क्या बताता है, पजेशन बताता है, और पजेशन बताने वाले क्या होते हैं, क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, है ना। अब एक चीज बात को समझिएगा, यहां पर मैंने लिखा था बी वर्ब, हम आगे पढ़ेंगे बी वर्ब के बारे में। अब इसी में अगर हम आगे एक चीज कहना चाहें तो एक होता है टू हैव वर्ब, क्या होता है, वर्ब टू हैव। अब टू हैव का यूज देखिएगा, समझिएगा, टू हैव में कौन कौन आता है, तो एक बात याद रखिएगा कि इसी में आता हैज, इसी में आता है हैव, और इसी में आता है हैड, है ना, टू हैव वर्ब में। अब टू हैव के बाद कभी भी आ सकता है तो आ सकता है नाउन, बात को समझना है, क्या आ सकता है नाउन, जैसे मैंने कहा कि रवि हैज अ बुक, ए बुक क्या है भाई, नाउन है, तो मैंने कहा कि टू हैव के बाद क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। टू हैव के बाद भाव आएगा, क्या आएगा भाई, ये भाव आएगा, ये भाव कैसा भाव है, मेन है। अब जब मेन है तो दो बातें याद रखना है, इसके बाद भी थ्री आएगा हमेशा, टू हैव के बाद क्या आएगा, भी थ्री आएगा, जब भी थ्री आएगा तब इसे हम एक्टिव वॉइस में होना समझेंगे, हैज हैव के बाद या टू हैव के बाद भी थ्री आया तो कैसा कौन सा फॉर्म होगा वर्ब का, है ना, एक्टिव फॉर्म, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर वर्ब के बाद हैज हैव के बाद बीन प्लस भी थ्री आ जाए, क्या जाए, बीन प्लस भी थ्री आ जाए, बीन लगा हुआ रहेगा, ये बीन है, बी का बीन है, तब इसे किस फॉर्म में कहेंगे हम, पैसिव फॉर्म में, ए पैसिव वॉइस। अरे बात समझ में है कि कब इसे हम भी थ्री देंगे, अगर इसके बाद भी थ्री है तो क्या रहेगा, एक्टिव फॉर्म में, अगर इसके बाद बीन प्लस भी थ्री हो जाए तो पैसिव फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और याद रखना है कि आ सकता है टू प्लस भी वन,
क्या आएगा, टू प्लस भी वन। अब अगर कभी भी टू हैव के बाद टू प्लस भी वन आए तो इसे इसे हमने अभी एक बात कहा था कि इन्फिनिटिव कहते हैं, मतलब हैज हैव के बाद अगर टू प्लस भी वन इन्फिनिटिव आए तब एक किसी भी सेंटेंस में क्या दिखाता है मेरे भाई, पजेशन दिखाता है। क्या बोला मैंने, पजेशन, पजेशन दिखाएगा। कभी भी टू प्लस भी वन क्या है, सॉरी 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 वन सेकेंड, पजेशन नहीं लिखेगा, यहां पे लिखेगा कंपल्सन। क्या मैंने कहा, कंपल्सन, क्या बताएगा, कंपल्सन बताएगा। जब टू हैव के बाद कभी भी टू प्लस भी वन आए किसी भी सेंटेंस में तो क्या देखा था, कंपल्सन। बात को समझिए, जैसे मैंने कहा कि ही हैज टू गो, उसे जाना है, ही हैज टू गो उसे जाना है। अब उसे जाना है तो यहां पे टू प्लस भी वन आया कि नहीं, जब टू प्लस भी वन आया है तो यहां पे हैज के बाद टू प्लस भी वन का जब यूज करते हैं, टू प्लस भी वन का यूज करते हैं तो क्या बताता है, कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे दौड़ना है, ये सारे बातें जो भी मैंने बोला है सारे के सारे क्या बता रहे हैं, कंपल्सन। और जब टू हैव के बाद टू प्लस भी वन आया तो इसे कंपल्सन शो करेगा इस सेंटेंस में। ठीक है, यहां तक बता रहे हैं समझ में। तो मैंने एक बेसिक कंसेप्ट लिया वर्ब को, अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मेन वर्ब कब समझेंगे और कब नहीं समझेंगे। कभी भी इज एम आर मेन भी बन जाता है किसी भी सेंटेंस में, कभी इज एम आर हेल्पिंग भी बनता है। तो मैंने क्या बात कहा कि जब इज एम आर के बाद, और एक बात और याद रखिएगा कि टू हैव के बाद, किसके बाद, टू हैव के बाद कभी नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा भैया, एडजेक्टिव। यही सब कॉन्सेप्ट है, इसी को मुझे समझना है ना। बुक में तो हर चीज लिखा मिलता है ना, आप पढ़ोगे तो सारे चीज मिल जाएंगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हम देते हैं आपको इस तरह से, हमारे कॉन्सेप्ट को समझना है जो हम आपको समझाना चाहते हैं, है ना। तो बुक में क्या नहीं है, हर चीज है, लेकिन मैंने क्या कहा कि कभी भी टू हैव के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा। जैसे देखो, अगर कोई कह दे कि राम हैज ऑनेस्ट, ये सेंटेंस सही है क्या, कि हैज आया, हैज के बाद ऑनेस्ट क्या है भैया, एडजेक्टिव है। तो हमने क्या कहा कि टू हैव के बाद कभी नहीं आ सकता क्या, एडजेक्टिव। इसी बात को समझना है। तो यहां पे राम हैज ऑनेस्ट, राम के पास ईमानदारी है, ऐसा होता है, ईमानदारी रखने का चीज है, आपका ईमानदारी पे पोजेशन है। सिर्फ आप ही ईमानदार हो, आप भले इंसान हो, है ना, लेकिन सिर्फ आप ही ईमानदार हो या आपका ईमानदारी पे अधिकार हो गया, ऐसा नहीं है। हमें इस सेंटेंस को क्या करना होगा, गलत, कभी भी हम हैज हैव के बाद क्या नहीं लाएंगे, एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। इसी सेंटेंस को अगर सही करना है तो मुझे कहना होगा कि राम इज ऑनेस्ट। हमें बी वर्ब लाना है, बी वर्ब के बाद ही मैंने कहा था, बी वर्ब के बाद ही मैंने कहा था कि एडजेक्टिव होगा। कभी भी टू हैव के बाद एडजेक्टिव का यूज नहीं करना है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट, हमने चीजों को समझा, है ना। आज के बाद कंफ्यूज्ड नहीं होना है किसी भी सेंटेंस को देखकर कि आप मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है क्या है। तो हमने कहा कि वर्ब क्या बताते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि वर्ब एक्शन तो बताता ही है, एज वेल एज स्टेट बताएगा अवस्था, या बताएगा पजेशन अधिकार। ये तीनों बताने वाले को क्या कहते हैं, हम मेन वर्ब कहते हैं। तो ये था बेसिक कंसेप्ट आपका वर्ब को लेकर, ये आज हम यहाँ पे एंड करते हैं इसको। अगर जो भी चीजें मैंने आपको बताई अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर करिए, है ना, लोगों तक पहुंचाइए, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, उन तक पहुंचना चाहिए कि हर किसी को फायदा हो। एक यार एक चीज याद रखना कि ज्ञान ही एक ऐसा चीज है, नॉलेज ऐसा चीज है कि बांटने से बढ़ता है। आप शेयर करो, बांटो, ठीक है, आपका भी बढ़ेगा, है ना। तो एक चीज याद रखना कि इन सारी बातों को, और जो भी अगर दिक्कत होता है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कमेंट करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, हम आपको क्लियर करेंगे, है ना। आप वहां पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, है ना, आप कमेंट करिए कि हाँ यहाँ पे ऐसे हमको नहीं समझ में आया, बाकी हम आपको आगे बताने का, है ना, जरूर कोशिश करेंगे। तो ये था आज का, है ना, लेक्चर। जो भी आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा, है ना, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना है एक बार, है ना। हम हर एक टॉपिक को लेकर आएंगे, है ना, और उसको हम पूरे तरह से कंप्लीट करेंगे,
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।